last class we have learnt the addition of the fraction. Today we will learn how do we calculate the subtraction of the fraction. Now let's start. At first we find the LCM of these two denominator. Then the LCM is divided by denominator and then the number is multiplied by numerator. How do we calculate this? Let's start. 12 and 5 का क्या करेंगे हम अभी क्या बोले एलसीएम निकालेंगे. सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे फाइंड करेंगे. तो 12 एंड 5 ओके हम एलसीएम से पहले निकालेंगे. पहले हम इसके पहले भी जब हम क्लास लिए थे बताए थे क्या कि एलसीएम में अगर मान लो सपोज टू डिजिट का हम टू नंबर का हम लोग को एलसीएम निकालना है फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दोनों ही नंबर जो है कम से कम सेम टेबल से जा रहा है कि नहीं वो देखना है. ठीक है तो यहाँ देखो 12 और 5 दोनों अलग अलग नंबर है. 12 और 5 दोनों तो सेम टेबल में है नहीं तो क्या होगा यहाँ पर अगर उस तरह का नंबर कोई आता है तो क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम निकालते हैं. ठीक है तो 12 5 16 ओके देन दिस एलसीएम इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इट मीन्स 60 डिवाइडेड बाय 12 उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 ओके माइनस फिर एलसीएम 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 अब क्या 12 के टेबल में 60 कितने टाइम्स है 12 5 60 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 को अगर 60 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 12 5 तो 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय ऑल डिवाइडेड बाय 60 एलसीएम था 5 9 45 माइनस 12 3 36 ऑल डिवाइडेड बाय 60 यहाँ देखो 5 है यहाँ 6 है तो क्या 5 से क्या 6 को माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन नहीं होता है क्या करेंगे कैरी लेंगे 1 कैरी लेंगे ये 4 से जैसे कैरी लिए कितना हुआ 15 में से 6 माइनस किए कितना 9 अब क्या देखो ये 4 तो ये 5 तो अपना 1 दे दिया ना तो उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हुआ 1 लेस हो गया माइनस हो गया तो कितना हुआ 4 अगर आपने इसे निकाल कर 1 को दे दिया तो क्या हुआ 3 हुआ 3 में से 3 को माइनस किए तो कितना 0 तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है 9 by 60 अब क्या करेंगे लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट टर्म में हम लोग चेंज करेंगे क्या कैसे चेंज करेंगे दोनों ही सेम टेबल से डिवाइडेड हो रहा है या नहीं देखेंगे देखो 9 है और 60 है तो 9 देखो 3 3 9 3 2 6 इसका मतलब 3 से दोनों डिवाइड होगा क्या करेंगे यहाँ पर नहीं होता हम यहाँ पर 9 3 3 9 ओके 3 2 6 कितना आया 3 by 20 ओके नेक्स्ट सम्स नंबर फोर में क्या है देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन एट फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस नंबर दिस फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे 5 8 40 40 plus 2 42 तो ये 42 by 8 और ये तो दिया ही हुआ है 4 by 16 ओके आप क्या करेंगे हम लोग फिर से यहाँ सेम जो है 8 और 16 का क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे ओके 8 और 16 का सेम हम बताए थे क्या कि 8 कोई भी नंबर का जब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या दोनों ही नंबर जो है अगर टू नंबर का एलसीएम अगर फाइंड करना है तो क्या कम से कम हम लोगों का क्या दोनों ही नंबर सेम टेबल से डिवाइड होना चाहिए. ठीक है तो यहाँ देखो 8 है और ये 16 है सबसे लोएस्ट नंबर से जाना चाहिए 2 का टेबल में दोनों ही आते हैं 2 4 जा 8 2 8 जा 16 फिर 2 से 2 2
जा फोर, टू फोर जा एट, फिर टू से टू वन जा टू, टू टू जा फोर, इट मीन्स टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन। तो हम लोग का जो है एलसीएम कितना निकला, 16। ओके, देन दिस एलसीएम इज डिवाइडेड बाय 8, 16 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 42 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16, डिनोमिनेटर इज 16, सो वी डिवाइडेड डिवाइडेड एलसीएम, एलसीएम इज डिवाइडेड बाय 16, देन मल्टीप्लाई बाय 4। 8 के टेबल में 16 कितने टाइम्स है, 8 2 जा 16, 2 मल्टीप्लाई 42 माइनस 16, 1 जा 16, 1 मल्टीप्लाई 4, ऑल डिवाइडेड बाय 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 16, 4 में से 4 माइनस किए 0, 8 16, 80 बाय 16। अब देखिए, देखो 16 के टेबल में 80, ऑब्वियसली 16 का टेबल तुम लोग क्लास 5 में तो जानते ही हो, तो क्या 16 5 जा 80, 16 1 जा 60, 16 5 जा 80, तो हम लोग का क्या 5 आया। नीचे 1 जो है लिखने का कोई जरूरत नहीं होता फ्रैक्शन के नंबर में, सम्स में क्या होता है, अगर नीचे जो है डिनोमिनेटर के स्थान पर अगर 1 आता है तो क्या वो लिखा हुआ नहीं जाता है। हम लोग का आंसर इसका कितना हो गया, 5। नाउ नेक्स्ट सम्स इज 5, सेम प्रोसेस, एट फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 4 1 जा 4 एंड 4 एंड 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 एंड 3 7, 7 बाय 4 माइनस 5 बाय 12, सेम प्रोसेस एट नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस टू डिनोमिनेटर, 4 एंड 12, 2 से जाएगा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, the LCM is 12, okay? Now, this LCM is divided by 4, then multiply by 7, minus 12 divided by 12, multiply 5, then 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 3 जा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 7 माइनस 12 1 जा 12 1 मल्टीप्लाई 5 ऑल डिवाइडेड बाय 12, देन 7 3 जा या 3 7 जा 21 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 12। देखो 1 है 5 है, 1 से क्या 5 को माइनस करते हैं, नहीं, तो क्या होगा इस 2 से क्या करेंगे, ये 1 कैरी ले लेगा, तो कैरी लेने से कितना 11 हो गया, 11 में से अगर 5 को माइनस किए कितना हुआ 6। ओके, अब क्या यहाँ तो ये जो 2 था 2 अपने से निकाल कर उसको 1 दे दिया ना, उसके पास क्या हुआ 1 लेस हो गया, माइनस हो गया, कम गया, तो क्या हुआ ये 1 उतर गया डिवाइडेड बाय 12। अब फिर अब क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं, हम लोग सिंपलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे या लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, कैसे, दोनों ही ऊपर डिनोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों ही जो है हम लोग देखेंगे सेम टेबल में है या नहीं, जैसे देखो 4 का टेबल में 2 का टेबल में भी दोनों है, या फिर 3 का टेबल में फिर देखो सिर्फ 12 है मगर 16 नहीं है, फिर 4 का टेबल में देखो दोनों ही नंबर आता है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो हम लोग 4 से ही देते हैं, डिवाइड करते हैं 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से कम है,
कम होने से हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिवाइड करके हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, थ्री फोर, थ्री वन जा थ्री वन, हम लोग का आंसर कितना आया, वन होल वन डिवाइडेड बाय थ्री, ये हुआ हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। ओके प्लीज चिल्ड्रेन नोट दिस केयरफुली।